वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने भारत के खिलाफ अपनी वनडे और टी20 टीम घोषित कर दी है। जेसन होल्डर वनडे और कार्लोस ब्रेथवेट टी20 टीम की अगुवाई करेंगे। क्रिस गेल को टीम में जगह नहीं दी गई है। डेरेन ब्रावो और ऑलराउंडर किरण पोलार्ड की टीम में वापसी हुई है। ऑलराउंडर आंद्रे रसेल को टी20 टीम में शामिल किया गया है, लेकिन चोट के कारण उन्हें वनडे टीम में शामिल नहीं किया गया है। विंडीज टीम भारत के खिलाफ 5 वनडे मैचों की सीरीज खेलेगी। पहला मैच 21 अक्टूबर को गुवाहाटी में खेला जाना है। इसके बाद 3 टी20 मैचों की सीरीज होनी है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व राष्ट्रीय चयनकर्ता सैयद किरमानी ने वर्तमान चयन समिति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। किरमानी ने कहा कि एमएसके प्रसाद की अगुवाई वाली चयन समिति कमजोर है और ये टीम के मुख्य कोच रवि शास्त्री और कप्तान विराट कोहली को चुनौती नहीं दे सकती। किरमानी ने कहा कि अगर आप मुझसे पूछ रहे हो तो रवि शास्त्री कोच होने के कारण मुख्य कार्यकर्ता हैं। वो और कप्तान तथा अन्य सीनियर सदस्य मिलकर चर्चा करते हैं और वे जो चाहते हैं उसके बारे में चयन समिति को अवगत करा देते हैं। वर्तमान चयन समिति शास्त्री और कोहली के सामने अनुभवहीन है, इसीलिए टीम प्रबंधन जो चाहता है चयन समिति उस पर हामी भरने में भलाई समझते हैं, क्योंकि वे शास्त्री और कोहली से बहस नहीं कर सकते। अनुभव की बात की जाए तो मुख्य चयनकर्ता एमएसके प्रसाद ने सबसे ज्यादा 6 टेस्ट मैच खेले हैं। इसके बाद देवांग गांधी ने 4, शरणदीप सिंह ने 2 टेस्ट खेले हैं, जबकि 2 अन्य चयनकर्ताओं जतिन परांजपे और गगन खोड़ा के पास तो टेस्ट मैच का अनुभव भी नहीं है। प्रीमियर बैडमिंटन लीग के 4th संस्करण के लिए आज खिलाड़ियों की नीलामी की गई। नीलामी में पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, किदांबी श्रीकांत और एचएस प्रणय को 80-80 लाख रुपए की कीमत मिली। सिंधु को हैदराबाद हंटर्स ने, साइना को नॉर्थ ईस्टर्न वॉरियर्स, श्रीकांत को बेंगलुरु रैप्टर्स और प्रणय को दिल्ली डैशर्स ने खरीदा। ओलंपिक चैंपियन स्पेन की कैरोलिना मारिन को नई टीम पुणे 7 एसेज ने, वर्ल्ड नंबर 1 डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसन को अहमदाबाद स्मैश मास्टर्स ने, कोरिया के सुंगजी ह्यून को चेन्नई स्मैशर्स और ली योंग देई को मुंबई रॉकेट्स ने 80-80 लाख में खरीदा। इस साल लीग में 9 टीमें हिस्सा ले रही हैं और नई टीम पुणे 7 एसेज भी नीलामी में उतरी। नीलामी में हर टीम के पास खर्च करने के लिए 2,60,00,000 रुपए थे और एक खिलाड़ी पर अधिकतम 80,00,000 रुपए खर्च कर सकते थे। सभी टीमों ने आइकन खिलाड़ियों को खरीदने पर सबसे ज्यादा राशि खर्च की। पीबीएल का 4th संस्करण 22 दिसंबर से 13 जनवरी तक आयोजित होगा। बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल साथी भारतीय खिलाड़ी परुपल्ली कश्यप के साथ इस वर्ष 16 दिसंबर को विवाह बंधन में बंधने जा रही हैं। साइना ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा, मेरे लिए कश्यप के साथ शादी के बंधन में बंधने का यह सबसे सही समय है, क्योंकि वह आगामी टूर्नामेंटों में काफी व्यस्त हैं। कश्यप और साइना के प्रेम संबंधों की खबरें हाल ही में सार्वजनिक हुई थी। साइना ने कहा कि उनके परिजनों को भी पहले से ही कश्यप के साथ उनके रिश्तों का आभास था और वे इस फैसले से खुश हैं। पैरा एशियाई खेलों में आज भारत को 1 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल मिला। भाला फेंक एथलीट संदीप ने भारत की झोली में टूर्नामेंट का पहला गोल्ड मेडल डाला है। संदीप ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में गोल्ड जीता। संदीप ने 60.01 मीटर की दूरी तक भाला फेंका। इन खेलों में भारत की महिला भारोत्तोलक सकीना खातून ने भी भारत को रजत पदक दिलाया। सकीना ने महिलाओं की 50 किलोग्राम पावर लिफ्टिंग स्पर्धा में 84 किलोग्राम का वजन उठाया। वियतनाम की फोंग लिन थी ने 103 किलोग्राम का वजन उठाकर स्वर्ण पदक जीता। और इंडियन सुपर लीग में जमशेदपुर एफसी ने बेंगलुरु एफसी को उसी के मैदान पर 2-2 की बराबरी पर रोक दिया। कांतीरावा स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में बेंगलुरु ने 2 बार बढ़त ली, लेकिन जमशेदपुर ने दोनों बार बराबरी हासिल कर ली। इस मैच में भारत के 2 युवा खिलाड़ियों का जलवा देखने को मिला। पहले हाफ के अंत में 20 साल के निशु कुमार ने पेनल्टी एरिया के बाहर से शानदार गोल कर बेंगलुरु को 1-0 से बढ़त दिलाई। 71वें मिनट में 16 साल के युवा गौरव मुखी ने जमशेदपुर के लिए बराबरी का गोल दाग मैच में रोमांच ला दिया। बेंगलुरु के कप्तान सुनील छेत्री ने 88वें मिनट में गोल कर बेंगलुरु की जीत पक्की कर दी थी, लेकिन सीडो ने इंजरी टाइम में गोल कर स्कोर 2-2 से बराबर कर दिया। ड्रॉ मैच से दोनों टीमों को 1-1 अंक मिला। स्पोर्ट्स डेस्क डीबी लाइव। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार।